हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करदा कि सारे ठीक ठाक होवोंगे। तो अज आपां अपनी इस वीडियो दे विच डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, मतलब कि जिहड़ा सिक्ख्या समाज शास्त्र आ उहदी इंपोर्टेंस। सो फस्ट पॉइंट है, इट अफोर्ड्स फुल प्रोटेक्शन इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ कल्चर। Thus, everybody becomes able to develop those cultural qualities which promotes international understanding and welfare. पंजाबी मीडियम लई नाल नाल आपां डिस्कस कर रही है कि यह सभ्याचार की पूरी तौर पर सुरक्षा करता वा, उसकी प्रोटेक्शन करता पूरी तरह से, तो प्रोग्रेस च हेल्प करता कि जो अपनी समाज शास्त्र है, मतलब ये हर कोई उन्हें सभ्याचारक गुणों विकसित करन दे योग हो जाता वा, जो अंतरराष्ट्रीय समझ ते कल्याण नूं उत्साह दिंदे ने। सैकेंड पॉइंट है जी, इहदा इंपोर्टेंस का जो आप कर रहे हैं, इंपोर्टेंस ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी बिलीव्स दैट मैन इज़ अ सोशल बीइंग। इट इज़ ऑफ द व्यू दैट It is the right of every human being to be educated according to his capabilities, needs, aptitudes and abilities without any discrimination of race, caste, creed, color and sex etc. मतलब कि सिक्ख्या समाज शास्त्र का ही विश्वास है कि मनुख एक समाजिक जीव है, तो इहदा यह भी विचार आ कि हर इंसान नूं बिना किसी धर्म, जात, नसल, रंग जां लिंग दे भेदभाव तो अपने योग्यतावां, जरूरतां ते काबलियत दे अनुसार सिक्ख्या प्राप्त करन दा जिहड़ा हक हैगा वा। सो ये आपां सैकेंड पॉइंट सी, आपां चलदे हां अगली स्लाइड वल। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, Educational sociology strives to gain understanding of social groups, their creation and coming into existence and their interrelation and interdynamics so as to secure and promote happy life for all individuals. Sikhya samaj shastra hai jada samajik samuh di samajh, ohdi rachna te oh kivein hond vich aaye, उन्होंने आपसी संबंधों समझण ते प्राप्त करने दे विच जतन करता वा जिहड़ा, तां कि जिहड़े सारे विद्यार्थी ने उन्हां नूं खुशहाल जिंदगी नूं सुरक्षित ते उत्साहपूर्वक जिहड़ा कीता जा सके। अगले स्लाइड वाल चलते हैं आपां, पॉइंट नंबर 4, इट स्कैर्स फॉर एन इंडिविजुअल अ सेल्फ रिलियंट and self-government living in society, desires for social service and social good. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, With the help of educational sociology, individuals endeavor to create those social institutions which are above all discriminations and differences. समाज शास्त्र की मदद नाल व्यक्ति वो समाजिक संस्थावां बनाउण दा जतन करदे आ जो सारे भेदभाव अते जिहड़े अंतर ने, जिहड़े डिफरेंस ने, उन्हां तों उपर आ। सो चलदे आ अगली स्लाइड वाल, लास्ट पॉइंट है अपना ये इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन दा, 6 नंबर, इट फॉर्मुलेट्स सच रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच इस्टैबलिश एंड डिवेलप सोशल ग्रोथ ओनली यूजफुल एंड रेलिवेंट ट्रेडिशंस रिमेन इफेक्टिव अदर डिके एंड डाई आउट। ये उन्हें नियमों ते प्रक्रियावां दा निर्माण करदा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।